Hello students, welcome to my channel. In this series of lecture, we have already started BEE, that is Basic Electrical and Electronics Engineering subject of BTech first year students. In this series, we have already started and we have already covered some units of Basic Electrical and Electronics subject. If you want to see other videos, you can go to my channel and in the playlist BEE, you will find all the chapters, all the lectures related to this subject. Students, we have covered many topics of Unit 3. I have covered the magnetic circuits. We have also covered the series and parallel connection of the magnetic circuits, their numericals, the transformers, its construction, the principle behind the transformer working, and also we have covered the classification of transformer and its losses. Students, today we are going to cover the testing of the transformer. The testing of the transformer is important and it is done before the actually using of the transformer. It is used to test the losses of transformer. It means ki jab bhi transformer ek ban jata hai, ek transformer jab hum shuru karte hain, to usme kya hota hai ki transformers ko hame use karne se pehle हम उसको टेस्ट करना ज़रूरी होता है, है ना, क्योंकि ट्रांसफार्मर में लॉसेस कम से कम होने चाहिए, तो इसकी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसके लॉसेस को हम टेस्ट करते हैं. तो जो ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग होती है वो एक्चुअली दो टाइप की होती है, एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट और एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट. जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये क्यों ऐसा होता है. हम इसका डायग्राम्स को पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि इनको हम ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों कहते हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट and it is done before the transformer use and it is used to test the losses of the transformer. Okay, so first we will start with the open circuit test, है ना. तो यहाँ पर हम open circuit test की बात करेंगे. open circuit test, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो diagram बना हुआ है ये open circuit test का diagram है. आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि transformer की दो winding है, ये low voltage winding है और ये high voltage winding है. जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है उसका जो सर्किट है वो खुला हुआ है ना, इसीलिए हम इस टेस्ट को ओपन सर्किट टेस्ट कहते हैं. देख सकते हैं आप यहाँ पे जो सर्किट है दैट इज़ द ओपन सर्किट. लेकिन अगर हम लो वोल्टेज वाइंडिंग की बात करें तो लो वोल्टेज वाइंडिंग में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, यहाँ पे एमीटर भी लगा हुआ है एंड वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है ना. तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो भी टेस्टिंग हो रही है वो लो वोल्टेज साइड पर हो रही है और हाई वोल्टेज साइड को हमने ओपन रखा हुआ है, ठीक है. तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है. तो अब क्या होता है कि ओपन सर्किट टेस्ट डिटरमाइन द आयरन लॉसेस. तो सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है कि भाई हम अगर दोनों टेस्ट की बात कर रहे हैं तो कौन से टेस्ट से हम कौन से लॉसेस को निकाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है कि लॉसेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, है ना. अगर आपने वो लास्ट वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ आप जाकर देख लें मेरे चैनल में, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है. तो अभी हम बात कर रहे हैं ओपन सर्किट टेस्ट की. तो ओपन सर्किट टेस्ट डिटरमाइंस द आयरन लॉसेस. अब दिस टेस्ट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग अ पैरेलल ब्रांच पैरामीटर ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, दैट इज RE एंड XM. तो इसमें जो है हमको ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ये टेस्ट, क्योंकि हम इसमें जो है वो पैरेलल ब्रांच पैरामीटर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. तो हाई वोल्टेज बाइंडिंग इज कैप्ट ओपन सर्किटेड ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा ओपन सर्किट टेस्ट का डायग्राम है, इसमें हमने देखा और मैंने आपको अभी पहले बताया भी कि जो हाई वोल्टेज बाइंडिंग है उसको हमने ओपन रखा हुआ है ना. ये देखिए, इसको हमने ओपन रखा हुआ है. टेस्ट इज़ कैरीड आउट एट लो वोल्टेज साइड. इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेस्ट है उसको हम कहाँ कैरी करते हैं, लो वोल्टेज साइड पे. दैट मीन्स ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, वोल्ट मीटर, अमीटर एंड वॉट मीटर आर कनेक्टेड एट लो वोल्टेज साइड. द वैल्यू ऑफ इट इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है. आई नॉट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो वॉट मीटर है, एमीटर है और वोल्ट मीटर है वो हम लो वोल्टेज साइड में लगाया हुआ है, और इसलिए हम कहेंगे कि ये जो सर्किट होता है वो हम लो वोल्टेज साइड पे यूज़ करते हैं ना, लो वोल्टेज साइड पे यहाँ पे हम इसको टेस्ट करते हैं. अब क्या है कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स शो द डिफरेंट रीडिंग. अब जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि एमीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है और वॉट मीटर लगा हुआ है, तो ये अलग अलग रीडिंग को शो करेंगे, है ना. तो जैसे एमीटर है, एमीटर हमको क्या निकाल के देगा, एमीटर हमको करंट देता है ना, तो एमीटर हमको निकाल के देगा यहाँ पे आई नॉट, ठीक है. और जो हमारा वोल्ट मीटर है वो हमको निकाल के देगा V1,
और वॉट मीटर है वो हमको निकाल के देगा R1, ठीक है। तो ये जो हमारा I1 है, I0 है, I0 क्या है हमारा नो लोड करंट है, ठीक है, और V1 क्या है हमारा, ये हमारा प्राइमरी वोल्टेज है, और R1 जो है वो है हमारा आयरन लॉस, ठीक है। वॉट मीटर से हम क्या निकालते हैं, पावर, और हमने पढ़ा था ना कि जो हमारा आयरन लॉस होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पावर, है ना। तो हम इसमें जो वॉट मीटर है वो हमको क्या निकाल के देगा, आयरन लॉस, और आयरन लॉस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा कि हमने आयरन लॉस का फॉर्मूला पढ़ा था V1 I0 cos φ, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ था आयरन लॉस का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम यहाँ पे आयरन लॉस निकालेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कैलकुलेशंस जो हैं किस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि रीडिंग्स ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर एज फॉलोज। एमीटर जो है वो हमको आई नॉट निकाल के देगा, जिसको हम बोलते हैं एमीटर करंट या नो लोड करंट, ठीक है। और जो हमारा वोल्ट मीटर है वो हमको V1 देगा, दैट इज़ द प्राइमरी वोल्टेज, एंड वॉट मीटर जो है वो हमको PI या फिर हम उसको आयरन लॉस भी बोल सकते हैं। आयरन लॉस जो होता है उसको हम किससे निकालते हैं, V1 I0 cos φ, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से जो है वो हमारा आयरन लॉस होता है, ये उसका फेजेस डायग्राम है, ठीक है, और ये हमको दिखा रहा है उसका कि किस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे ये V1 हो गया, ये हमारा I हो गया, I0 हो गया, और किस तरीके से ये हमारा ट्रांसफार्मर जो है उसकी जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो दिखा रहा है, और ये हमारा फेजर डायग्राम बता रहा है ना। तो इसी से हमको यहाँ पे दिखता है कि हमारा जो कैलकुलेशन है ओपन सर्किट टेस्ट का वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे IC जो है दैट इज़ द वर्किंग करंट कंपोनेंट ऑफ I0 है, और IM जो है वो मैग्नीट्यूड है करंट कंपोनेंट ऑफ I0 का, है ना। तो IM किससे निकालेंगे हम, I0 sin φ से, और IC हम निकालेंगे I0 cos φ से। φ क्या है हमारा, फेजर एंगल है, ठीक है। सो ये जो है वो हमारी एक्सप्लेनेशन हो गया ओपन सर्किट टेस्ट का, ठीक है। एक बार आप और देख सकते हैं अच्छे से कि ओपन सर्किट टेस्ट में हमने क्या एक्सप्लेनेशन करना है। सबसे पहले हमें ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में बताना है, इसका डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जब भी आप ओपन सर्किट टेस्ट अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसका डायग्राम आप ज़रूर लिखें। उसके बाद जो ये हमारी कुछ इसका हमारी थ्योरी है, इस थ्योरी को भी आप अच्छे से देख लें, पढ़ लें, मैंने अभी वैसे समझा चुका है, फिर भी आप इसको देख लें, ठीक है। उसके बाद जो है ये इसकी कुछ कैलकुलेशंस है, ठीक है, ये फेजर डायग्राम है एंड देन ये हमारी इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। अब सेकेंड हमारा पार्ट आता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट का। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक लास्ट चीज़ समझाना चाहूँगी ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में कि I0 जो कि नो लोड करंट है, इट मींस जब सेकेंडरी में कोई लोड नहीं है, है ना, जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है हमारी उसमें अगर कोई लोड नहीं है तो फुल लोड करंट का 2 से 5% ही जो होता है वो नो लोड करंट होता है ना। इसलिए वॉट मीटर इज़ यूज टू मेजर लॉसेज बाय मेजरिंग पावर। तो ये तो हम मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़े थे कि जो हमारा नो लोड करंट होता है वो 2 to 5% ही होता है बस, ठीक है, और वॉट मीटर को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे पावर को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट द ओपन सर्किट टेस्ट। अब बात आती है शॉर्ट सर्किट टेस्ट की। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा था ओपन सर्किट टेस्ट में कि ओपन सर्किट टेस्ट में हम जो करते हैं टेस्टिंग वो हम लो वोल्टेज साइड करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम दूसरे टेस्ट की बात कर रहे हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तो ये हाई वोल्टेज साइड में होगा। और जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे जो वॉट मीटर है या मीटर है या वोल्ट मीटर है वो हाई वोल्टेज साइड में ही दिख रहा है। तो इससे हम इजीली जान सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे जो टेस्टिंग हो रही है वो हमारी हाई वोल्टेज साइड पे हो रही है ना। ये हमारा वोल्ट मीटर है, वॉट मीटर, ये हमारा एमीटर है, ये हमारा वोल्ट मीटर है। अब जैसा कि हमने देखा था कि ओपन सर्किट टेस्ट को हम ओपन सर्किट इसीलिए कहते थे क्योंकि एक जो हमारी बाइंडिंग थी वो ओपन सर्किटेड होती थी, है ना। तो इसमें में भी हम इसको अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट बता रहे हैं तो इससे भी साफ समझ में आ रहा है कि हमारा एक तरफ की वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट सर्किट होगी, है ना। तो जो ये शॉर्ट सर्किट या जो हम शॉर्ट करेंगे वो हम इस बार क्या करेंगे, लो वोल्टेज वाइंडिंग को करेंगे, और इसको शॉर्ट करने के लिए हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, कॉपर यूज़ करते हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए सबसे पहले बेसिक्स जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के, कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है वो हाई वोल्टेज साइड होता है पहली बार, तो इसीलिए हाई वोल्टेज साइड में ही वॉट मीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर लगते हैं, और जो लो वोल्टेज साइड है उसको हम शॉर्ट करते हैं, किससे यूज करते हैं, कॉपर से यूज़ करके शॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारी इंपॉर्टेंस है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट आखिर क्यों यूज़ होता है, तो जैसा कि हमने ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि वो आयरन लॉस निकालने के लिए यूज़ होता है, तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको हम कॉपर लॉस निकालने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट डिटरमाइंस पैरामीटर ऑफ सीरीज ब्रांच ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट, है ना। जैसे वो पैरेलल ब्रांच की पैरामीटर्स को निकालता था, ये सीरीज ब्रांच के पैरामीटर्स को निकालता है। फिर थर्ड पॉइंट हमारा आ गया कि लो वोल्टेज साइड इज शॉर्टेड बाय यूजिंग अ थिक कॉपर वायर, ठीक है।
जैसे कि वहाँ पे हम हाई वोल्टेज साइड को ओपन सर्किट करते थे, और उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है कि टेस्ट इज़ कैरीड आउट एट हाई फ्रीक्वेंसी साइड, यानी हाई वोल्टेज जो हाई वाइंडिंग है, हाई वोल्टेज साइड जो है इस तरफ हम टेस्ट करते हैं परफॉर्म, और इसलिए जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेजर करने के लिए वो सारे के सारे कहाँ पे लगते हैं, हमारे हाई वोल्टेज साइड पे लगेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, द रीडिंग ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट इज़ गिवन बाय, अब इसमें भी जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि एक एमीटर है, वोल्ट मीटर है और वाट मीटर है, तो हमको वो रीडिंग्स देते थे, सिमिलरली यहाँ पे भी हमको जो है वो अलग अलग रीडिंग मिलेगी। इसमें रीडिंग क्या मिलेगी, पहली रीडिंग है हमारी अमीटर की, अमीटर की जो रीडिंग होगी ऑब्वियसली करंट हमको मिलेगा इसकी रीडिंग में, ISC, इसको हम शॉर्ट सर्किट करंट बोलेंगे। फिर हमको वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज मिलेगा उसको हम शॉर्ट सर्किट वोल्टेज बोलेंगे, और जो हमारा वॉट मीटर है उसमें हमको कॉपर लॉस मिलेगा, ठीक है। और फिर वही सिमिलरली हमको जिस तरीके से हमने जो कैलकुलेशंस हैं वो किए थे ओपन सर्किट के लिए, सिमिलर कैलकुलेशंस जो है वो हमारी यहाँ पे होंगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि कॉपर लॉसेस जो होते हैं उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, I²R, राइट। मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इसलिए उसके दोनों के हम कॉपर लॉस को वो ऐड करेंगे, है ना, निकाल के। वैसे ही यहाँ पे भी हमारा क्या है, कॉपर लॉस जो होगा वो है I²R, ठीक है। यहाँ पे R को फाइंड आउट, या फिर हम R को भी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने जो पावर निकाला है वॉट मीटर से अपॉन द I²SC हमारा अमीटर से निकल ही चुका है करंट, तो हम उसमें क्या कर लेंगे, जो पावर हमारा आया है वॉट मीटर से, जो कॉपर लॉसेज आया है उससे हम डिवाइड कर देंगे किसको, इस अमीटर से जो करंट आया है उसके स्क्वायर को, तो हमको यहाँ पे R इक्विवेलेंट हमें जो है वो मिल जाएगा, है ना। तो दिस वॉज द कैलकुलेशन ऑफ द शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और भी आगे हम देखते हैं कि द इक्विवेलेंट इम्पिडेंस, अब इक्विवेलेंट इम्पिडेंस हमको कैसे मिलेगा वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो इक्विवेलेंट इम्पिडेंस जो है वो हमको वोल्ट मीटर से हमको मिल चुका है वोल्टेज उसका, करंट हमको मिल चुका है यहाँ पे अमीटर से, तो हम इक्विवेलेंट इम्पिडेंस हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, है ना। तो इक्विवेलेंट इम्पिडेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन आई, तो जो हमारा शॉर्ट सर्किट वोल्टेज मिला है और जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसमें हम डिविजन करके निकाल लेंगे, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो है इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस की दी हुई है इक्वेशन, की हम किस तरीके से इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो है हम अपना ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे। अब इसके बाद बात आती है एक न्यूमेरिकल की। देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि 200 और 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज और का एक ट्रांसफार्मर है, यूजिंग ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमारा हो रहा है, ठीक है। तो ओपन सर्किट टेस्ट की यहाँ पे रीडिंग दी हुई है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट की रीडिंग दी हुई है। उसके बाद इसमें पूछा गया है कि कैलकुलेट द मैग्नेटाइजिंग करंट, वर्किंग करंट एट नॉर्मल वोल्टेज एंड करंट, एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन द ट्रांसफार्मर इज सप्लाइंग रेट लोड जो है उसका कितना है, 0.8 पावर फैक्टर है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इस ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसकी यहाँ पे कैलकुलेशन देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमको I2 दिया हुआ है, V2 I2 दिया हुआ है, और V1 V2 हम उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो है वो हमको दी हुई है, ठीक है। ये 10 kVA दिया हुआ है कि 10 kVA हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा जो V2 I2 है वो 10 kVA है, वो यहाँ पे दिया हुआ है 10 kV/A, ठीक है। ये हमारा वोल्ट दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया है, गिवन लिखा हुआ है, V1 V2 भी लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी जी लिखी हुई है जो हमें गिवन है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटाइजिंग करंट और वर्किंग करंट एट नॉर्मल वोल्टेज एंड करंट, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी रीडिंग्स आई हुई हैं, जैसे हमारा उसका रीडिंग आया हुआ है I0 V1 cos ∅0, जो हमारा क्या है, ये हमारा ओपन सर्किट टेस्ट का जो है वो लॉस है, है ना। तो हमने उसको निकाला, उससे हमने कॉस फाई निकाला, ठीक है। उसके बाद हमको IM मिल गया, I0 sin ∅, ठीक है। IM हमको मिल गया इससे, ये वाला फॉर्मूला भी जो है अभी हमने ऊपर पढ़ा है ओपन सर्किट टेस्ट में। IM निकालने के बाद हमको IC मिल गया, कैसे, I0 cos ∅, तो वो भी हमने निकाल लिया, IC भी। अब उसके बाद जो हमारा RC है वो निकलेगा V1 by IC, और XM जो है वो निकलेगा V1 by IM। ये सारी कैलकुलेशन जो है वो अभी हमने ऊपर पढ़ी हुई है, ठीक है। अब हमको क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है, है ना। तो ये जो है हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, सॉरी, ये यहाँ पे हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, इसमें हमने लगाया और हमारा जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पे हमको मिल जाती है, ठीक है। तो इन दिस वे हमने जो है यहाँ पे एक
न्यूमेरिकल जो है वो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से रिलेटेड अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं तो सबसे पहले तो जो मैंने अभी आपको कैलकुलेशंस बताई हैं ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट की, उसको आप थोड़ा याद कर लेंगे कि हमें एमीटर और वोल्ट मीटर और जो वॉट मीटर है उससे हमको क्या क्या मिलता है, और उससे रिलेटेड फिर हम उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं या इंपेडेंस कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है। तो बस फॉर्मूला बेस्ड ही जो है वो न्यूमेरिकल आएगा। और एफिशिएंसी की बात करें तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो है वो आपको एफिशिएंसी के बारे में पढ़ाया था। अगर आपको फिर भी अभी यहाँ पे थोड़ा याद करने में दिक्कत जा रही हो तो मैं अभी आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज़ करा सकती हूँ एफिशिएंसी के लिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा जो है वो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ चुका है। ये थोड़ा ब्लर्ड है। दिस इज़ रिटन एज द वी टू आई टू कॉस फाई टू अपॉन वी वन V2I2 cos phi 2 plus PC and plus POH। यहाँ पे PC क्या है, कॉपर लॉस है, और POH क्या है हमारा, ये ओहमिक लॉस है ना। ये जो है वो थोड़ा क्लियर नहीं है, है ना। एक्चुअली जो हमारी एफिशिएंसी है वो क्या होती है, आउटपुट पावर और अपॉन इनपुट पावर। ऑब्वियसली हमारे एफिशिएंसी उसी से हम निकालेंगे। और जो हमारी इनपुट पावर होता है वो क्या होता है, इनपुट पावर एक्चुअली इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर प्लस जो हमारे लॉसेज होते हैं, है ना। और लॉसेस किस किस टाइप के होते हैं, कॉपर लॉस होता है और एक हमारा ओमिक लॉस होता है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम जो है अपनी एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको न्यूमेरिकल कल को आता है ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, तो आपको पहले अपने ओमिक लॉस और कॉपर लॉसेज दैट इज आयरन लॉस और कॉपर लॉस जो है वो निकाल लेना है, और आपका जो आउटपुट पावर है, और आउटपुट पावर निकाल के आउटपुट पावर या तो आपको दिया होगा हो सकता है, तो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर प्लस ओमिक लॉस प्लस दी कॉपर लॉस, तो आपकी जो है वो एफिशिएंसी निकल जाएगी। ओके सो इस तरीके से जो है वो कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आप लोगों को एग्जाम में, तो आप जो है वो ये सब पढ़ लें। ट्रांसफॉर्मर्स जो है वो अब हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, उसका प्रिंसिपल पढ़ लिया है, कंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, लॉसेस पढ़ लिए हैं, और उसके बाद हमने आज इसके जो टेस्ट हैं ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट उसको भी कवर कर लिया है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको अगर ऐसा कोई भी टॉपिक लगता हो जो आप पढ़ना चाहते हो और मैंने इन सीरीज़ में कवर ना किया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक को भी ज़रूर कवर करूँगी जो BEE से रिलेटेड होगा। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करूँगी। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। Thank you for watching this.